नमस्कार, मैं आप सभी के साथ हूँ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का नंबर वन एंड लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय एवं आपकी खबर इस समाचार के प्रस्तुत करता है। अ वन स्टॉप शॉप फॉर ऑल योर टेक्नोलॉजी नीड्स, कंप्यूटर एंड हार्डवेयर टू हाई स्पीड कॉपियर्स, कुसुम इन्फोटेक। क्रिएट योर ओन वर्ल्ड इन योर वे, PIS। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना, अपोलो क्लिनिक नाउ इन सिलीगुड़ी। अब बढ़ते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस की तरफ। बंगाल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व सांसद दिलीप घोष ने कहा कि भाजपा के लिए कभी भी गोरखालैंड मुद्दा नहीं था। विधान मार्केट मुद्दे को लेकर नवान्न रिपोर्ट भेजेंगे पर्यटन मंत्री गौतम देव। ज्वाइंट फोरम के संयुक्त संयोजक जेबी तमांग विनय गुट के गोजुओं में हुए शामिल। अब बढ़ते हैं प्रमुख खबरों की तरफ विस्तार से। सिक्किम के सत्तारूढ़ सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने आज पांचवें विद्यार्थी अधिकार दिवस का पालन किए, जिसमें एसकेएम विद्यार्थी मोर्चा के द्वारा राज्य के विभिन्न महाविद्यालय व विद्यालय के विद्यार्थियों को लेकर राजधानी के मनन केंद्र में कार्यक्रम का आयोजन किए, जिसमें पार्टी अध्यक्ष तथा मुख्यमंत्री PS गोले मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2014 में आज ही के दिन तादुंग नरबहादुर भंडारी डिग्री कॉलेज के विद्यार्थियों ने शुल्क वृद्धि को लेकर राज्य सरकार के विरुद्ध आंदोलन की थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने विद्यार्थियों से बातचीत हेतु तैयार न होकर विद्यार्थियों की मांग को दबाने हेतु 3 दिनों तक चलने वाले उक्त आंदोलन को दबाने हेतु पुलिस ने लाठीचार्ज तथा आंसू गैस चलाए थे, जिसके कारण कई विद्यार्थियों के साथ आमजन भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने विद्यार्थियों की मांग को जायज ठहराते हुए अपना नैतिक समर्थन दिया था, इसीलिए सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी प्रत्येक वर्ष 14 जुलाई को विद्यार्थी अधिकार दिवस के रूप में पालन करती है। जब इस बार पार्टी सरकार में है तो पहली बार व्यापक स्तर पर इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से मुख्यमंत्री PS गोले उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में खेल के विभिन्न विधाओं में राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिक्किम का नाम उज्जवल करने वाले 7 खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया गया। सुन्नुहोस् है, अनि अघि हामीले यो 14 जुलाई चाहिँ हामी किन मनाउँछौँ त, किन यसलाई विद्यार्थी अधिकार दिवसको रूपमा हामी किन मान्छौँ, यसलाई हामी किन सालेना हामी किन मान्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले 2014 को 14 जुलाईमा जुन प्रकारको तिनताको सरकारले SDF पार्टीको सरकारले विद्यार्थीहरूमाथि जुन प्रकारको फी लगायो त्यसको विरुद्ध हामीले आवाज उठाएको थियो। त्यति बेला हाम्रो धेरै कार्यकर्ताहरू कुटाएका, धेरै कार्यकर्ताहरू धेरै है तपाईँको वर्षसम्म उनीहरूले केस धाउनु पर्यो, किनभनेदेखि हामीले त्यति बेला विद्यार्थी नानीहरूलाई अन्याय हुँदै थियो, हामीले विद्यार्थी नानीहरूको फेभरमा तपाईँहरूको पक्षमा हामीले लडाइँ लडेको थियो। अनि त्यस्तै खालको हामीले अर्को लडाइँ ITFT को हाम्रो विद्यार्थी बहिनीले अघि कुरा राख्नुभयो, ITFT को विद्यार्थी नानीहरूलाई पनि अन्याय भएको थियो, उनीहरू एमए गरे तापनि पछि घर फर्केर आउँदाखेरि उनीहरूको सर्टिफिकेट चलेन, उनीहरूले ग्रेजुएसन गरेर आउँदाखेरि पनि घर फर्केर आउँदाखेरि उहाँहरूको सर्टिफिकेट चलेन। त्यति बेला यहीँनिर त्यति बेला यहाँ सेक्रेटेरिएट न्याय थियो, त्यति बेला न्याय आएर हामीले चिफ सेक्रेटेरिएट अफिस घेऱ्यौँ, अनि हामी शिक्षा मानव संसाधन विभागको सचिवसँग वर्तमान त्यति बेला पनि सचिव नै थियो, अहिले पनि सचिव थियो हुनुहुन्छ उहाँ, उहाँको अगाडि हामीले उहाँहरू नानीहरूलाई अन्य हुनु हुँदैन भनेर हामीले आवाज उठाएको थियो। किनभनेदेखि हामीले जति बेला हामीले हाम्रो सिक्किममा परिवर्तनको हामीले नारा सुरु गऱ्यौँ 2009 हो, हामीले 2009 को 21 तारिक दिसम्बर 2009 रोल भाजपा के लिए कभी भी गोरखालैंड मुद्दा नहीं था। भाजपा के राज्य सभापति दिलीप घोष ने स्पष्ट तौर पर एक कर्मी सभा में इस बारे में जानकारी दी। नागराकाटा में भाजपा कर्मियों को लेकर आयोजित एक कार्यशाला में राज्य के सभापति दिलीप घोष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए कभी भी गोरखालैंड मुद्दा नहीं था। पार्टी में समर्थकों और नेताओं के शामिल होने के संबंध में उन्होंने कहा कि जिनको पार्टी में शामिल कर लिया गया है उनको अब नहीं निकाला जाएगा, पार्टी का यही नियम है, लेकिन अगर यदि कोई पार्टी छोड़ना चाहता है तो उसके लिए कोई रोक नहीं है, साथ ही विद्रोह करने वालों को भी पार्टी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि असम की तरह पश्चिम बंगाल में भी NRC को लागू किया जाएगा। आज कर्मी सभा में जलपाईगुड़ी जिला सभापति देवाशीष चक्रवर्ती, अलीपुरद्वार लोकसभा के सांसद जॉन बारला, भाजपा 2 नंबर नगर मंडल के अध्यक्ष मनोज भुजेल,
निरंजन सरकार, भाजपा मदारीहाट के विधायक मनोज तिग्गा सहित अन्य नेता उपस्थित थे। যারা নির্বাচনে সমর্থন করেছেন, জিতিয়েছেন, তাদেরকে আমরা পার্টির মধ্যে আনতে চাই, তাদেরকে মেম্বার করতে চাই। তাই সংগঠন পর্ব নাম দিয়ে মেম্বারশিপ অভিযান চলছে। সবাই মিলে লেগে ম্যাক্সিমাম সংখ্যায় মেম্বার এখানে তৈরি করবো, যাতে আগামী নির্বাচনে আমরা নিচে উপরে সব জায়গায় জিতে। আচ্ছা, পাহাড়ে তো সবাই মানে মন খুলে ভোট দিয়েছে, তো গোর্খাল্যান্ড নিয়ে কি বলবেন? গোর্খাল্যান্ড আমাদের কখনো ইস্যু ছিল না, এখনো নাই। ওখানকার লোকের একটা সেন্টিমেন্ট আছে, আমরা গোর্খাদের উন্নয়ন চাই, সেটাই করবো, তার জন্য চেষ্টা করছি। अभी भी हम पहाड़ के सारे समस्या को लेके संवेदनशील है, उसका समाधान हो इसका चेष्टा करें। 11 जात गोष्ठी का जो मुद्दा है एसटी का, इसके बारे में अभी क्या मुद्दा भी है, उसको हम समर्थन करते हैं। वो प्रोसेस में केंद्र सरकार में, जैसे कि आसाम में लागू हो गया है, आज या कल यहाँ भी लागू होगा, उनको भी संरक्षण होगा। सिलीगुड़ी विधान मार्केट में अवैध रूप से निर्माण किए गए दुकानों के संबंध में एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सचिवालय नवान में भेजी जाएगी। राज्य के पर्यटन मंत्री गौतम देव ने एक पत्रकार सम्मेलन कर इसकी जानकारी दी। सिलीगुड़ी विधान मार्केट में पिछले महीने आग लग गई थी और इस आग में 7 दुकानें जलकर राख हो गई थी। आग से प्रभावित दुकानों और आसपास की दुकानों को तोड़कर विधान मार्केट व्यवसायी समिति की ओर से 2 तल्ला बिल्डिंग तैयार किया गया है, जिसमें कुल 20 दुकानें हैं। शनिवार को मंत्री विधान मार्केट गए थे और इस बिल्डिंग को तोड़ने की धमकी दी थी, जिसके बाद व्यवसायियों ने भी अपना विरोध जताया था। इस संबंध में आज पर्यटन मंत्री गौतम देव ने एक पत्रकार सम्मेलन कर बताया कि विधान मार्केट में किया जा रहा अवैध निर्माण को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि अवैध निर्माण की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर राज्य सचिवालय नवान में भेजी जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल और उत्तर बंगाल का विधान मार्केट एक प्रमुख मार्केट है, यहाँ पर अवैध निर्माण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। আমি একটা বিস্তারিত রিপোর্ট নবান্নয় দিচ্ছি, এটা নিয়ে মানুষের কাছে যাব। এই হুলিগানিজম এটাকে মানা যাবে না। বেআইনি কাজ করে যেভাবে আস্ফালন করেছে কালকে, পুলিশ প্রচুর সহনশীলতা দেখাচ্ছে, কিন্তু এভাবে যদি এটা বুঝতে হবে, বিধান মার্কেটটা কিন্তু উত্তরবঙ্গের মানুষের, পশ্চিমবঙ্গের মানুষের এবং বেসিক্যালি শিলিগুড়ির মানুষের, ক্রেতা আর বিক্রেতার মধ্যে রিলেশনশিপের জায়গা, এটা খালি তাদের একার জায়গা নয়। এবং তাদের যে জায়গাটুকু ব্যবসা করতে দিয়েছে, তার বাইরে তারা সরকারি জায়গা নিয়ে, আমরা ব্যবসায়ী সমিতি, উপরটা আমাদের ব্যবসায়ী সমিতির থাকবে, এটা কোনো কথা নেই। আর এই সমস্ত হুলিগানদের আমি কোনো উত্তর দিয়েছি সেটা আমি জানি না, কোথায় কী পারমিশন দিয়েছে এজেডি আমি দেখি না, কিন্তু এই জায়গাটা আমি নিজে ছিলাম, 7টা দোকান পড়েছিল, হিমনেত্রিয়ান গ্রাউন্ডে বলেছিলাম তৈরি করে দিই টেম্পোরারি নেচারে। একটু ওরা বললো পিছিয়ে গেলে এখান দিয়ে যেতে পারবে ফায়ার ব্রিগেড, 3 ফুট পেছন দিকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছিল, টেম্পোরারি নেচারের হবে, আর কোনো উপরে কিছু হবে না। আর ওখানে একটা জলাধার হবে, নিচে স্ট্যাচু হবে, এখন বলছে 2তলায় নাকি ওরা স্ট্যাচু হবে, আর বাকিটা ওরা ভাড়া দিয়ে। रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन की ओर से कवाखाली नीमतला गांव को गोद लिया गया है। आज रविवार को क्लब की ओर से इस गांव में स्थित स्कूल में स्कूल के बच्चों को बैग, पाठ्य सामग्रियां एवं मिठाइयां इत्यादि सामग्री भी वितरित की गई। इस गांव के पूरे विकास को भी क्लब के द्वारा किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्लब के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने इस संबंध में क्या कहा। रोटरी क्लब ऑफ सिलीगुड़ी मिड टाउन से ये गरीब गाँव में आए हैं। ये गरीब गाँव बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, यहाँ ना रहने का पक्का मकान है, ना शौचालय है, ना गैस चूल्हा है यहाँ पे। तो हमारी ये रहेगी कि इनको हम लोग घर घर में शौचालय, हम लोग का मेन उद्देश्य है, स्वच्छता अभियान रहे यहाँ पे, घर में जहाँ पर भी चूल्हा नहीं है वहाँ हम लोग उज्ज्वला योजना से चूल्हा देने की चेष्टा करेंगे। छोटे छोटे गरीब बच्चे हैं, इनके पास स्कूल का बस्ता नहीं है, पानी का पीने का वाटर बॉटल्स वगैरह नहीं है, वो आज हम लोग कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बाकी सारे बच्चे लोग को देंगे। इनके स्कूल में बेंचेज वगैरह नहीं है, बेंचेज लगवाएंगे, पंखा लगवाएंगे। और इधर में गांव में देखेंगे हम लोग, अभी आज मेरा पहला दिन था, गांव से इंटरेक्ट करेंगे, आस्ते आस्ते हम लोग जैसे जान पहचान बढ़ेगी, इनकी जो जो रिक्वायरमेंट होगी हम लोग अपनी तरफ से चेष्टा करेंगे कि इनका हम लोग बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करें। हमारा क्लब का मुख्य उद्देश्य स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, हम लोग चाहते हैं कि खुशियाँ बांटे, खुशियाँ बांटने से ही बढ़ती है। और हम लोग का भगवान हम लोग आज संपन्न किया, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम लोग भी दूसरों की हेल्प करें, मेन कारण यही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। दार्जिलिंग पहाड़ पर गोरामुमो को लगा एक और बड़ा झटका। पार्टी के प्रभावशाली नेता, श्रमिक संगठन PHWUU के सभापति और जॉइंट फोरम के संयुक्त संयोजक JB तमंग विनय गुट के गोजो में हुए शामिल।
प्रभावशाली गुरुओं के नेता जेबी तामांग ने विनय गुट के गुरुओं में शामिल हो गए हैं। वह गुरुओं श्रमिक संगठन PHWUU के सभापति तथा जॉइंट फोरम के संयुक्त संयोजक भी थे। रविवार को काफी संख्या में अपने लोगों के साथ विनय गुट में वे शामिल हो गए। गुरुओं के मुख्य महासचिव अनित थापा ने रंगबुल के साठीपुर स्थित सार्वजनिक भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में पार्टी का झंडा देकर उनका स्वागत किया। जेबी तामांग के साथ ही दार्जिलिंग पुसिम्बिंग चाय बगान के 150 समर्थक भी गोजोमो में शामिल हुए हैं। इस कार्यक्रम में ही अनित थापा ने घोषणा की थी कि जेबी तामांग को DTDPLU के केंद्रीय समिति का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। देखिए, जिस तरह से पहाड़ में, तराई में, डुअर्स में श्रमिक जो आंदोलन चल रहा है और दार्जिलिंग पहाड़ में अभी देखिए बारिश इतना जोर शोर से, अभी पूरा भारतवर्ष में बारिश, लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ ऐसा जगह है जहाँ पे अभी बारिश होने के कारण गाड़ी बंद है, घर द्वार सब बेकार हो रहा है, ऐसा हालात हो गया। लेकिन अभी तक हमारा सांसद, हमारा MLA अभी तक नहीं पहुँचा है यहाँ पे, इसीलिए हम टेलीफोन में बात किया है। हमारा सांसद को हमने बात किया था, वो बोल रहा है कि दार्जिलिंग में अभी हम नहीं आ सकेंगे, क्योंकि मोदी जी ने उनको बोला है कि दार्जिलिंग पहाड़ में 2,00,000 मेंबरशिप करने के लिए बोला है उन लोगों ने। अनि जिम्बा के साथ भी हमारा बात हो गया, वो भी अभी नहीं आ रहा है दार्जिलिंग पहाड़ में, क्योंकि उन लोगों का क्षेत्र ये दार्जिलिंग पहाड़ है, दार्जिलिंग का वोट पाके वो लोग सांसद हुआ है, दार्जिलिंग का वोट पाके वो MLA हुआ है, लेकिन उन लोग अभी यहाँ होना चाहिए था ना, अभी वो तो यहाँ नहीं है। इसीलिए हम पार्टी के साथ, हाईकमांड के साथ भी बातचीत किया है, लेकिन पार्टी ने भी कोई निर्णय नहीं दिया है। इसी के चलते हम रुष्ट हो गया, क्योंकि हम जिस टाइम में चुनाव के समय में हम गांव-गांव में जाके, चाय बागान में जाके हम जिस बात किया था मिनिमम वेज दे, पर्जा पट्टा के बाद, राशि के बाद, जितना भी प्लांटेशन लेबर एक्ट है, वो सब चीज़ को लेके हम लोग बोले थे। MP को भी साथ में लेके, MP के भी साथ में लेके गया थे हम लोग, MLA के भी साथ में लेके, मेरे को जितना भी बगान है वो सब जगह पे इन लोगों लेके गया था, हम लोगों ने कमिटमेंट किया है, लेकिन आज वो सब पूरा नहीं हुआ है। मालदा मुस्लिम इंस्टीट्यूट की वार्षिक सभा में हुई सांगठनिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा। मालदा मुस्लिम इंस्टीट्यूट की वार्षिक सभा रविवार को शहर के राजमहल रोड स्थित अपने सभा कक्ष में आयोजित की गई। इस सभा में पिछले वर्ष के आर्थिक ब्यौरे का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही सभा में संगठन के सदस्यों के विभिन्न दायित्वों एवं अन्य सांगठनिक गतिविधियों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई। संगठन के सचिव बॉबी अहमद ने बताया कि सदन सभा में वर्ष 2019 के सभी प्रकार की आर्थिक लेन देन समेत संगठन की अन्य गतिविधियों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि आज की सभा में संगठन के पिछले वर्ष की आय व्यय पर भी चर्चा की गई। फिलहाल रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, आप बने रहिए इसके लाइव के साथ, हम लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। From sales to services, a one-stop shop for all your technology needs. Computer and hardware to high-speed copiers, printers, toner, lamination machines, note counting machines and CCTV cameras, you will find a solution for all of your technology needs under one roof at Kusum Infotech, Prince Hotel, Rishi Abindo Road, Hakim Para, Siliguri, 99333333401.
Apollo Clinic expertise closer to you. Apollo Clinic now in Siliguri. Services offered: doctor consultation, all kind of blood test, USG, echocardiography, TMT and PFT, including Apollo Dental Clinic. Apollo Clinic, Golden Enclave, near Don Bosco Moor, Sevok Road, 2nd Mile, Siliguri, mobile number 8900293111. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ चल रहे विवाद के कारण नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब मंत्रिमंडल से दिया इस्तीफा, राहुल को भेजा रेजिग्नेशन, ट्वीट कर दी जानकारी। पंजाब के कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सिद्धू ने 10 जून को राहुल गांधी के नाम से त्यागपत्र भेजा था, जिसे उन्होंने आज ट्वीट कर सार्वजनिक किया। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ रिश्तों में खटास और अपना विभाग बदले जाने के बाद कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू 9 जून के बाद पहली बार सोशल मीडिया पर सक्रिय हुए। सिद्धू ने एक अन्य ट्वीट कर कहा कि वह अपना इस्तीफा सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सौंपेंगे। एक माह पूर्व कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनके विभाग में बदलाव किया था। सिद्धू स्थानीय निकाय मंत्री थे। कैप्टन ने लोकसभा चुनाव के बाद मंत्रिमंडल में बदलाव करते हुए उन्हें ऊर्जा मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी थी, लेकिन सिद्धू इससे नाराज थे। उन्होंने अभी तक ऊर्जा मंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला था। रोटरी क्लब ऑफ गैंगटॉक की ओर से 52वां इंस्टॉलेशन सेरेमनी कम वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स का आयोजन सिक्किम के एक निजी होटल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिक्किम सरकार के मंत्री श्री कुंगान लेपचा उपस्थित रहे, जिसमें मोहन साडा संगठन के अध्यक्ष तथा सचिव के रूप में मीरा ओबेराय को नियुक्त किया गया। इस कार्यक्रम में अनूप जुम्बा, प्रिया दहाल, सुमित ठाकरे, अभिमन्यु ढकाल, अभिनंदन ढकाल तथा केविन रसीले को वोकेशनल अवार्ड भी दिया गया। कर्सियांग के विधायक रोहित शर्मा ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, लोगों से मिलकर जानी और सुनी उनकी आपबीती। दार्जिलिंग पहाड़ पर हो रही बारिश के कारण लगातार भूस्खलन हो रहे हैं, लोगों के घर नष्ट हो गए हैं। प्रशासन के द्वारा राहत और बचाव शुरू कर दिया गया और लोगों को राहत शिविरों में रखकर उनको राहत सामग्रियां दी जा रही हैं। इसी बीच कर्सियांग के विधायक डॉक्टर रोहित शर्मा ने सरणी समष्टि क्षेत्र का दौरा किया और भूस्खलन प्रभावित लोगों को मिले और उनसे बातचीत कर उनकी आपबीती सुनी। उन्होंने प्रशासन के द्वारा चलाए गए राहत सामग्री के संबंध में भी जानकारी ली। डॉक्टर शर्मा के साथ गोजोमो सरणी समष्टि के अध्यक्ष सुनील प्रधान और महासचिव विनय सुब्बा भी उपस्थित थे। भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में कम हो रही है खटास, करतारपुर कॉरिडोर को लेकर हुई बैठक में पड़ोसी देश पाकिस्तान ने भारत के अधिकतर मांगों को मानी। द्विपक्षीय रिश्तों में जारी तनातनी के बीच करतारपुर कॉरिडोर को लेकर भारत और पाकिस्तान के रिश्ते पटरी पर लौटते दिख रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान के साथ हुई बातचीत में भारत ने अपनी मांगे साफ साफ रख दी हैं। वाघा बॉर्डर पर हुई बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने अपनी मांगे रखी, जिनमें से कुछ पर पाकिस्तान ने अपनी रजामंदी भी दे दी है। भारत ने पाकिस्तान से कॉरिडोर का काम जल्द पूरा करने को कहा है। भारत चाहता है कि नवंबर 2019 तक इस कॉरिडोर का इस्तेमाल होने लगे। बता दें कि तब गुरु नानक देव जी की 550वीं जन्म जयंती है। बातचीत में भारत ने पाकिस्तान से मांग की है कि वह रोजाना 5000 श्रद्धालुओं को दर्शन की इजाजत दे, साथ ही खास मौके पर इस संख्या को 10,000 तक बढ़ाने की मांग हुई है। इसके अलावा भारत चाहता है कि पाकिस्तान भारतीय मूल के लोगों जिन पर OCI यानी भारतीय विदेशी नागरिकता हो उनको भी यह सुविधा दे। वित्री के तत्वाधान में हिलकार्ट रोड स्थित एक निजी होटल में शुरू हुआ तीज एंड राखी फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन। शहर की तीन प्रसिद्ध महिलाओं मधु झवर, मनीला राठी और रेखा कल्याणी ने V3 की स्थापना की थी और उनके ही द्वारा आज तीज एंड राखी फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन लाइंस क्लब के पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर श्रवण चौधरी और पूर्व डिस्ट्रिक्ट गवर्नर GS होड़ा ने किया। एग्जीबिशन में महिलाओं के परिधान और फैशन से जुड़ी सामग्रियां भी सभी उपलब्ध हैं, साथ ही विभिन्न प्रकार की राखी को भी प्रदर्शित किया गया है। हम रागिनी अग्रवाल एंड आई हैव कम फ्रॉम कोलकाता, ऑल द वे फ्रॉम कोलकाता टू गिव सिलीगुड़ी अ वेरी एक्साइटिंग रेंज ऑफ ब्लाउजेज एंड ब्लाउजेज ऑफ ऑल रेंज, हैवी एम्ब्रॉयडर्ड, सिंपल, स्टाइलिश एंड ऑल काइंड्स। रेट इज़ ऑल 1500 to 3500, वेरी रीजनेबल एंड वेरी इकोनॉमिकल, पॉकेट फ्रेंडली। वी वॉन्ट एवरी वन टू वेयर रा स्टिच्ड ब्लाउजेज एंड सो वी वॉन्टेड टू गिव सिलीगुड़ी दिस। सामान सारे बहुत अच्छे हैं, सारे कलेक्शंस आर रियली वेरी गुड, ऑर्नामेंट्स भी बहुत फैंसी हैं, कुछ नया है एंड जिस तरह से सबने अपने डेकोरेट भी किए हैं काफ़ी लोगों ने, तो बहुत प्यारा लग रहा है देख के और रेट्स आर ऑल्सो वेरी रीजनेबल। मैसेज यही दूंगी सबको कि ज़रूर आएँ, विज़िट करें, बिकॉज हर समय हर चीज़ें हमें सिलीगुड़ी में नहीं मिल पाती हैं जो हमें एग्जीबिशन में मिल जाती हैं, तो यहाँ ज़रूर आएँ, देखें, कलेक्शन इज़ वाकई बहुत अच्छा
एंड वैराइटीज़ हैं सभी, काफ़ी कुछ चॉइसेस हैं यहाँ लेने के लिए, सो ज़रूर विज़िट करें। कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई, गोरखपुर, सिलीगुड़ी, पटना, काफ़ी जगह से स्टॉल्स हैं। हम लोग 2011 से कर रहे हैं एग्जीबिशन और ये हमारा कोटियाड मैरियट में फ़र्स्ट टाइम एग्जीबिशन है। नया ये हमारा स्पेशल राखी तीज स्पेशल एग्जीबिशन है, तो इसमें जो हम लोग सिंधारा में गिफ्ट देते हैं उससे रिलेटेड सभी सामान है, साड़ी, सूट, ज्वेलरी, कुर्ती, थालपोश, जूती, सभी आइटम हैं। इस बार हमारे एग्जीबिशन में स्पेशली हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स बहुत आए हैं, जैसे हाथ से बनी हुई साबुन है, सोप्स हैं, ऑर्गेनिक सोप्स हैं, कैंडल्स हैं जो हैंडमेड हैं, पोटलियाँ हैं, उसके बाद में बैग्स हैं, भगवान की पोशाक है। तो ये सब सामान जो है ये हमको देख के लगता है कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो भी हैंडमेड प्रोडक्ट्स में बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। कॉस्मेटिक्स हैं वो भी हैंडमेड हैं यहाँ पर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी यंग लेडीज़ एंड यंग गर्ल्स जो हैं वो लोग एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं और अपने आप को इंडिपेंडेंट बना रही हैं। आज का जो टाइम है सब चाहते हैं हम कुछ ना कुछ करें और हमारी इनकम भी आए, साथ में हमारा नाम भी हो, फेम भी हो। तो ये लोग के प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिसको आप यूज़ करेंगे तो इन लोग को ज़रूर बार बार याद करेंगे। नया कलेक्शन लखनऊ की हैंडवर्क की चिकन करी है और ऑर्गेंडी कॉटन है मध्य प्रदेश से, और जयपुर से डेलीवेयर में कॉटन के ड्रेसेस हैं और चद्दर है हमारे पास। स्पेशल तो वो है चिकन करी, हर जगह मिलता नहीं है, जो मिलता है वो मशीन का काम होता है। ये सारे के सारे प्योर कॉटन या प्योर जॉर्जेट में पीसेस हैं विथ हैंडवर्क, मशीन वर्क कुछ भी नहीं है इसमें, सारा हाथ का काम है। रेट 1200 रुपये से लेकर शुरू होकर 5-5.5 हज़ार रुपये तक है। फेस्टिव के हिसाब से राखी है, तीज के लिए हम लोग ने कलरफुल अर्गंजा की ट्यूनिक्स इस बार रखी है जो आप डे टू डे वेयर में फेस्टिव सीजन में कोई भी ओकेजन में आप इजीली वेयर कर सकते हो। एंड वी हैव डिफरेंट नेक पीसेज एज वेल, आप देख सकते हो जो आपको किसी के साथ, वेस्टर्न इंडियन किसी के साथ भी आप टीम अप कर सकते हो। सिलौड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम में चल रहे सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग में रविवार को महानंदा स्पोर्टिंग क्लब और देशबंधु स्पोर्टिंग यूनियन के बीच हुआ मुकाबला। दोनों ही दलों के बीच रोमांचक मुकाबला हुआ जिसमें लोगों की काफ़ी उपस्थिति रही। अब तक के लिए इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप लगातार एवं सनसनीखेज खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। आपका समय एवं आपकी खबर, धन्यवाद।